दोस्तों इस भारतीय खिलाड़ी ने महज इतनी गेंदों का सामना करते हुए ठोक दिया सबसे तेज दोहरा शतक और रोहित शर्मा, क्रिस गेल और सचिन तेंदुलकर जैसे बड़े खिलाड़ियों का तोड़ दिया वर्ल्ड रिकॉर्ड। आखिरकार गाइस आप भी देखना चाहते हैं इस खतरनाक बल्लेबाजी का पूरा वीडियो, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए और नोटिफिकेशन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों T20 वर्ल्ड कप 2022 के सभी लीग मुकाबले खत्म हो चुके हैं, जबकि भारतीय टीम को सेमीफाइनल मुकाबले में इंग्लैंड के हाथों 10 विकेट से हार का सामना करना पड़ा था और इसी के साथ भारतीय टीम T20 वर्ल्ड कप से बाहर हो गई। मगर दोस्तों दूसरी तरफ विजय हजारे ट्रॉफी का एक मुकाबला खेला गया सौराष्ट्र और मणिपुर के बीच में, जिसमें सौराष्ट्र की टीम की ओर से पहले बल्लेबाजी करते हुए समर्थ व्यास ने कमाल कर दिया और समर्थ व्यास ने मात्र 130 गेंदों का सामना करने के बाद 200 रन की विस्फोटक पारी खेल डाली, जिसमें 20 चौके और 9 गगनचुम्बी छक्के भी शामिल थे। लेकिन दोस्तों 45वें ओवर में समर्थ व्यास गलत शॉट लगाने के चक्कर में कैच आउट हो गए, जबकि समर्थ व्यास दुनिया के नंबर वन बल्लेबाज बने सबसे तेज शतक ठोकने वाले। तो वहीं इससे पहले शिखर धवन ने साउथ अफ्रीका ए के खिलाफ 132 गेंदों में दोहरा शतक ठोका था, जबकि इस मुकाबले को सौराष्ट्र की टीम ने मणिपुर की टीम को 282 रनों के बड़े अंतर से हरा दिया। वैसे गाइस आप नीचे कमेंट बॉक्स में बताना क्या समर्थ व्यास को भारतीय टीम में मौका मिलना चाहिए या फिर नहीं।